हेलो, जय श्री राम। आज मैं प्रभु श्री राम जी की राम मंदिर की सबसे लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। सो मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे सुरक्षा के दृश्य से देखा जाए प्रभु श्री राम जी के मंदिर में किस प्रकार से निर्माण किया जा रहा है और ये कार्य कितना संपन्न किया गया। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं सामने, जो कि ये सीढ़ियों से द्वारा चलकर ऊपर जो कि मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे जाया जाएगा इसी रास्ते से, जो कि ये 32 सीढ़ियों से चढ़कर हुए ऊपर आना पड़ता है। उसके साथ साथ आप ये जो पहला भूतल का कार्य देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। और सामने इस साइड देखिए, जो मेन गेट आपको देखने को मिल रहा है, इसी के जस्ट बगल से आपको जो कि साथ किनारे का भी रास्ता दिख जाएगा। और भाई साहब, आप यहाँ देखिए कि इतनी तेज़ी से इसका जो काम किया जा रहा है, कितने ढेर सारे वर्कर्स यहाँ लगे हुए हैं लगातार काम में। और ये जो सामने का व्यू आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलेगा, जो कि ये व्यू आपको इस हिसाब से बनाया ही जा रहा है कि मंदिर का जो प्रांगण है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है और बीच में जाने के बाद आपको ऐसी ही खूबसूरती झलकती हुई दिख जाएगी। और भाई साहब, ये भी बता दें कि इस प्रभु श्री राम जी की जो मंदिर में लगे जाने वाले पत्थर हैं और उसके साथ साथ जो मजदूर हैं, ये राजस्थान से ही सब लाए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। कहा जाता है कि राम मंदिर का जो भूतल का कार्य ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप ये सामने देख सकते हैं, लगातार LNT के मजदूरों के द्वारा और ये इस काम को बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये विशाल प्रांगण के जस्ट बगल से आपको सबसे खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा, जो कि राम मंदिर के एकदम भूतल के जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, हम इस समय पहुंच चुके हैं और यहीं से आप पूरी अयोध्या को काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस साइड चेक करिए भाइयों, काफ़ी खूबसूरत के साथ ये जो राम मंदिर का दाहिने साइड का जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत ही सुंदर है। और ये भाई आप देख सकते हैं, यहाँ का जो व्यू आपको देखने को मिल रहा है, ये मेन गर्भगृह का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ के पिलर पे काफ़ी अच्छे से अच्छी नक्काशी की गई है और इसके स्तंभों पे इसी प्रकार से डिज़ाइनिंग की गई है और इसी प्रकार से फिनिशिंग की गई है। भाई साहब, काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहा है। और इस साइड आप देखिए, कितने ढेर सारे जो कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग यहाँ पे अपने अपने तौर तरीके से आप सबको राम मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि न्यूज़ चैनल और हम सब क्रिएटर हो गए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं। तो भाई, ये जो आपको व्यू देखने को मिल रहा है, काफ़ी खूबसूरत, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी नक्काशी की गई है, जो कि इस स्तंभों पे काफ़ी अच्छे तरीके से एक बारीकी नक्काशी की गई है। तो भाई, काफ़ी खूबसूरत दृश्य आपको यही देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ढेर सारी भीड़ लगी हुई है, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पे कैमरा वगैरह जल्दी अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन मीडिया प्रभारी के द्वारा और हम सब क्रिएटर को भी एक सपोर्ट मिलता है और हमें भी अलाउ किया जाता है। तो हम लोग भी एक अपने अंदाज में और अपने तरीके से वीडियो को शूट करके आपको दिखा रहे हैं। तो भाई, काफ़ी खूबसूरत दृश्य यहाँ का जो होने वाला, ये आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम जी की जो कि मेन गर्भगृह है, जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो आप इस साइड चेक करिए, इधर जो दीवारों पे आप देखिए कितनी खूबसूरत से नक्काशी की गई है और ऊपर भी इसी प्रकार से डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से की गई। तो आप भाई एकदम बारीकी चेक करिए, काफ़ी गजब का ये बना हुआ है। आप इधर देखिए, पूरा एक एक चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से दर्शा हुआ दिख जाएगा। तो भाई, कहा जाता है प्रभु श्री राम जी की मंदिर में जो कि ये पत्थर पे काफ़ी अच्छे तरीके से नक्काशी की गई है, ये रामायण काल की जितनी भी अद्भुत चीज़ें हैं उसको दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं बीचों बीच में एक जो ध्वज है, काफ़ी अच्छे तरीके से फहराता हुआ दिख जाएगा। तो ऊपर का जो हिस्सा आप इधर देखिए, ये ऐसी ऐसी मूर्तियों पे काफ़ी अच्छे तरीके से नक्काशी की गई है। तो यहाँ से आप चेक करिए, ये पूरी काफ़ी अच्छे तरीके से खिलकर सामने आ रही है। और यहाँ का और ये जो पत्थर है, ये पिंक पत्थर से ही जो बनाया जा रहा है। और प्रभु श्री राम जी का जो गर्भगृह है, वहाँ एकदम सफ़ेद पत्थर से ही काम किया जा रहा है। अब ऐसे ही मूर्ति आपको हर प्रांगण में देखने को मिल जाएगा। और ये आप देखिए इधर साइड से, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इधर से भी आप जो कि प्रभु श्री राम जी के गर्भगृह पे
पहुंच सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ऊपर का जो ये भूतल का जो काम है ये भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ पे ऐसे ही अच्छी से अच्छी जो कि नक्काशी अभी भी की जा रही है। तो भाई अगर बात की जाए राम मंदिर की सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी जो कहा जाए स्टिक है। तो भाई साहब यहाँ का जो व्यू आपको काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहा है। आप इस साइड देखिए हम कितने अच्छे तरीके से इसको मित्रों स्पर्श करके आपको दिखा रहे हैं। ये भव्य मंदिर का ये दिव्य नज़ारा आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।